का नेतृत्व है, इसमें हम 37% पे, पीटीआई 22% के ऊपर है सर, और फिर बाकी पार्टीज ऑब्वियसली 7-9% 18% मतलब वी आर लीडिंग बाय वास्ट मार्जिन के हम दैट्स दिस इज वेरी रीश्योरिंग इट्स वेरी रीश्योरिंग आपकी सीट थी वैसे भी मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इलेक्शन 2018 में हुआ था तो मैसिव सपोर्ट थी वहाँ पर पीएमएलएम की, और उसमें एक आंसर ये था कि मुझे हर जगह जाना गया, लोगों ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ वहाँ के शुक्रगुजार हैं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में कराची में अमन कायम हुआ, और वहाँ पर मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी थी और बताखोरी सब ख़त्म कर दिया गया कराची में, उसका चेहरा नवाज शरीफ की हुकूमत इस तरह जाता है, और उसमें रेंजर्स ने बड़ा इफेक्टिव रोल अदा किया था। तो लोगों ने जगह जगह ये बात कही। डॉक्टर मफ्ता इस्माइल जो हैं ये बड़ा काबिल आदमी है, इन्होंने पंजाब में मेरे साथ काम किया 2011 में, और ये कराची से आते थे और पूरा हफ्ता लाहौर में रहते थे, और बड़े काबिल आदमी हैं। और इस हल्के में NA-249 में बड़े शदीद मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला पानी का है, और मैंने वहाँ के आवाम से वादा किया था कि अल्लाह ताला ने हम मौका दिया तो हम इंशाल्लाह न सिर्फ इस हल्के को बल्कि पूरे कराची में मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हालत बदल देगी, चाहे वो पानी की सप्लाई का मामला हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो सड़कों का हो, स्कूलों का हो, अस्पतालों का हो। इंशाल्लाह अगर हल्के के लोगों ने उन्होंने कामयाब कराया मुस्लिम लीग नून की जो अपील है उसको आवाम ने हल्के एक्सेप्ट किया, तो मफ्ता इस्माइल इंशाल्लाह दिन रात हल्के जीतने के बाद काम करेंगे और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। और मैं समझता हूँ कि हाँ मुस्लिम लीग नून जो वहाँ पर कराची में हमारे लोग हैं भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल।